हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करें rjcareerpoint.com और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करें। और फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है जिसमें आपको दो पेपर दिए गए हैं और डेली आपके लिए एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें हमारे साथ, और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारे जो कस्टमर सपोर्ट नंबर दिए गए हैं 9024103614 पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम है 10 AM to 7 o'clock, ठीक है। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद हम विद इन 1 week आपके लिए एम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए और आपका प्यार और सपोर्ट आप यूं ही बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन सभी तक हमारा ये छोटा सा प्रयास पहुंच जाए। आज मैं आपके लिए लेके आया एक स्पेशल क्लास जिस पर अपन बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एक फीटस का डेवलपमेंट होता है। दो जो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और मेल मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। उसके बाद में जाइगोट में हमने पढ़ा था कि उसका क्लीवेज होता है 2 सेल 4 सेल और 8 सेल तक। उसके बाद में उसका डिवीजन होता रहता है माइटोसिस के द्वारा। और फिर हमने जब देखा था लास्ट में ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टोसिस जो स्ट्रक्चर होती है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। जस्ट इम्प्लांटेशन से पहले उसके अंदर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक आउटर सेल मास और एक इनर सेल मास। इनर सेल मास से मैंने आपको बताया था फीटस और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जबकि जो आउटर सेल मास होती है जिसको बोलते हैं अपन ट्रोफो एक्टोडर्म, वो दो पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट होता है। फर्स्ट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेकंड इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, एचसीजी का सिक्रेशंस करता है। एचसीजी हमें यूरिन के अंदर मिलता है, 7 days पे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, और ब्लड के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यूरिन के अंदर अपन 9 days पे डिटेक्ट करते हैं और ब्लड के अंदर अपन 7 days पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ देखा हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेसेंटा, ठीक है। तो ट्रोफोएक्टोडर्म के अंदर ध्यान रखना, ट्रोफोएक्टोडर्म के अंदर डिफरेंशिएशन से क्या बना, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बना था, प्लेसेंटा। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायमीटर, उसके वेट के बारे में, और उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है। और प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, सरफेस होती है कि एक मेटरल सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होती है, ठीक है। एक तरफ से वो डेसिड या बेसिलिस से जुड़ता है और एक तरफ किससे जुड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। एक इन बिटवीन एक मिडवे स्ट्रक्चर बनाता है जो मदर को क्या किससे जोड़ती है, फीटस से कनेक्ट करती है। तो इसकी पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की भी अपन बात करेंगे। तो रेगुलर आप क्लास को देखें और लास्ट तक देखें आप, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और आज से आपकी फंडामेंटल की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं, और विद इन 1-3 days हम साइकेट्रिक के लिए और पीडिया की आप रेगुलर क्लासेज लगाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जिसमें अपन बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लेसेंटा के, देखिए 3 important characteristics होते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी तो एम्ब्रियोलॉजी क्लास जरूर देखे, वो इससे कोरिलेट है पूरी क्लास, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा क्या होते हैं, 3 characteristics होते हैं, 3 characteristics। फर्स्ट इज द प्लेसेंटा इज द हीमोकोरियोन। प्लेसेंटा क्या होती है, हीमोकोरियोन। सेकेंड इज प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड, एंड थर्ड इज प्लेसेंटा इज द डेसिड्यूएट। ये 3 important characteristics होते हैं। कैसे, हीमोकोरियोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर जो कोरियोनिक विलाई होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे करती है, मैटरनल ब्लड से। जो विलाई सिस्टम और इंट्रावेनस स्पेस अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देखिए जो कोरियोन से होती है, कोरियोनिक विलाई जो होती है, कोरियोनिक विलाई कॉन्टैक्ट विथ मैटरनल ब्लड के क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हीमोकोरियोन। डिस्कॉइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स शेप इज डिस्क लाइक। क्या होती है, इसकी डिस्क लाइक शेप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन,
डिस्कॉइड बोलते हैं। और डेसिड्यूएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब फीटस की डिलीवरी होती है, ठीक है, उसके बाद में प्लेसेंटा क्या होती है, सेड ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, सेड ऑफ। सेड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी क्या होती है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाती है। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेसेंटा के, हीमोकोरियन, डिस्कॉइड एंड डेसिड्यूएट। तीनों के मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि क्यों होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके पार्ट के बारे में। देखिए, प्लेसेंटा दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, फर्स्ट इज द मैटरनल पार्ट एंड सेकेंड इज द फीटल पार्ट। प्लेसेंटा किस दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फर्स्ट इज द मैटरनल पार्ट, अब देखिए मैटरनल पार्ट जो होता है वो होता है डेसिडुआ बेसलिस। कौन सा होता है, डेसिडुआ बेसलिस। अप्रोक्सीमेट 20% पार्ट होता है प्लेसेंटा का। कौन सा, मैटरनल पार्ट जो होता है वो कितना होता है, 20% पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डेसिडुआ बेसलिस। सेकंड इज द फीटल पार्ट। फीटल पार्ट, फीटल पार्ट के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएट होता है ट्रोफोएक्टोडर्म के अंदर, ठीक है, आउटर सेल मास, ट्रोफोएक्टोडर्म एंड इनर सेल मास। फिर ट्रोफोएक्टोडर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहां आपने देखिए अलग अलग पार्ट बोल सकते हैं इसको, ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोल सकते हैं अपन, ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोनिक फ्रंडोसम, इन तीनों नामों से अपन बता सकते हैं कि फीटल पार्ट बनाते हैं। और ये कितना पार्ट बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट 80% पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का किसके द्वारा बनता है, फीटल पार्ट के द्वारा बनता है, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए प्लेसेंटा के, फर्स्ट इज द मैटरनल पार्ट एंड सेकेंड इज द फीटल पार्ट। ध्यान रखना जो मैटरनल पार्ट होता है वो किससे मिलकर बनता है, डेसिडुआ बेसलिस से, अप्रोक्सीमेट 20% पार्ट। और फीटल पार्ट जो होता है वो होता है ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट या कोरियोनिक फ्रंडोसम। अपन तीनों में से कोई सा भी नाम अगर ऑप्शन में आए तो आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लाइक एज वेट। प्लेसेंटा के वेट की बात करते हैं, प्लेसेंटा का जो वेट होता है, वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है, 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है। इसका कई बार रेशियो पूछ सकता है अपने को, फीटस प्लेसेंटा रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको रेशियो पूछे तो फीटस और प्लेसेंटा का, फीटस और प्लेसेंटा का जो रेशियो होता है वो होता है 6:1, क्योंकि अपन मानते हैं नॉर्मल जो फीटस का वेट अप्रोक्सीमेट 3 kg, 2.5 to 3 kg, और यहां पर इसका वेट कितना है, 500 ग्राम, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्लेसेंटा फीटस रेशियो पूछे तो आपको कर देना है किसका, 1:6, और फीटस प्लेसेंटा रेशियो पूछे तो 6:1। ये प्लेसेंटा क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायमीटर के बारे में। देखिए डायमीटर की बात करें अपन, प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा थिक इन सेंटर, थिक इन द सेंटर एंड थिन इन पेरिफ्री, ठीक है, थिन इन पेरिफ्रल। पेरिफ्रल में क्या होती है, थिन होती है, और थिक कहां पर होती है, सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर प्लेसेंटा की जो मोटाई होती है, सेंटर के अंदर थिकनेस जो होती है इसकी कितनी होती है, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। और पेरिफ्रल की अपन बात करें, पेरिफ्रल थिकनेस की अगर अपन बात करें तो कितना होता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। इसीलिए इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक। आपको पता है डिस्क की जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है,
सेंटर से क्या होती है डिस्क, मोटी होती है, ठीक है, और पेरिफेरल से क्या होती है पतली होती है। इसीलिए जो प्लेसेंटा होती है उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, सेंटर से थिक होती है और पेरिफेरल से क्या होती है थिन होती है। और इसकी थिकनेस की बात कर ली हमने, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर इन द सेंट्रल थिकनेस एंड पेरिफेरल थिकनेस इज द 1 टू 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गई प्लेसेंटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटल वॉल्यूम्स के बारे में। यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, प्लेसेंटल वॉल्यूम, प्लेसेंटल वॉल्यूम। अब देखिए प्लेसेंटल वॉल्यूम क्या होता है, आपने कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहां से कि इंट्रावेनस स्पेस के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है या कितना ब्लड स्टोर रहता है या विलाय सिस्टम के अंदर कितना ब्लड होता है और कितना ब्लड फ्लो होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको दो चीज बताता हूं मैं, फर्स्ट इज द IVS इंटरविलस स्पेस एंड सेकेंड इज द विलाय सिस्टम, विलाय सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को अपन पहले समझते हैं, उसके बाद में इसके नेक्स्ट अपन बात करेंगे। प्लेसेंटा जहां से जुड़ती है उसको बोलते हैं अपन क्या, डेसिडुआ बेसिलिस, जो क्या एक मैटरनल पार्ट होता है, क्या होता है एक मैटरनल पार्ट होता है, और उसी के अंदर क्या होता है कुछ पार्ट मैटरनल होता है और कुछ पार्ट क्या होता है फीटल पार्ट होता है। अब जो मैटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, इंटरविलस स्पेस, IVS, ठीक है। और सेकंड किसकी बात करें अपन, विलाय सिस्टम की, जो किसका पार्ट होता है फीटस का पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो फीटस का पार्ट होता है। यहां से कुछ टर्सरी विलाइज निकलती हैं जो किसके साथ अटैच होती है, इंटरविलस स्पेस के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन बात करें नीचे क्या होता है, अम्ब्लाइकल कोड आकर जुड़ती है। अम्ब्लाइकल कोड कहां से, सेंटर से क्या होती है अम्ब्लाइकल कोड जुड़ती है। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट्स द विलाय सिस्टम। ये क्या है, विलाय सिस्टम, और ये आपको दिख रहा है कौन सा, इंटरविलस स्पेस। अब यहां पर देखिए दो पार्ट हो गए, फर्स्ट इज द इंटरविलस स्पेस, सेकंड इज द विलाय सिस्टम, और ये जो विलाइज निकल रही है ये कौन सी है, टर्सरी विलाई, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था कि प्लेसेंटा का एक फीचर होता है कौन सा, हीमोकोरियन। हीमोकोरियन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आउटर सरफेस होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होती है किसके, मैटरनल ब्लड के, और वहां पर कौन कॉन्टेक्ट कर रहा था, ये विलाइज या कोरियन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो कोरियन या विलाई होती है वो डायरेक्ट किसके किसके कॉन्टेक्ट में होती है, मैटरनल ब्लड के। अब यहां पर दो पार्ट है, फर्स्ट इज द इंटरविलस स्पेस एंड सेकेंड इज द विलाय सिस्टम। इंटरविलस स्पेस के अंदर, इंटरविलस स्पेस के अंदर 150 ml, कितना 150 ml ब्लड फिलअप होता है, ठीक है। और विलाय सिस्टम के अंदर कितना होता है, विलाय सिस्टम के अंदर 350 ml ब्लड होता है, कितना 350 ml ब्लड होता है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, कितना 500 ml ब्लड। तो ये हो गया क्या, प्लेसेंटल वॉल्यूम, प्लेसेंटल वॉल्यूम हो गया कितना 500 ml, कैसे 150 ml ब्लड होता है इंटरविलस स्पेस के अंदर, 350 ml ब्लड होता है किसमें, विलाय सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्लड होता है ये कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसकी जो रेट है उसकी बात करते हैं अपन, इंटरविलस स्पेस के अंदर, इंटरविलस स्पेस के अंदर 500 to 600 ml ब्लड पर मिनट क्या होता है, फ्लो होता है बाय द यूटेराइन आर्टरी, किसके द्वारा, यूटेराइन आर्टरी, यह इसको बोल सकते हैं अपन मैटरनल ब्लड फ्लो, कौन सा, मैटरनल ब्लड फ्लो, मैटरनल ब्लड फ्लो भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर जो मैटरनल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है,
किसके द्वारा? यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। डायग्राम के अंदर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, यहां पे देखिए इंटरवेनस स्पेस कौन सा है, ये है, ठीक है। इसके अंदर कितना ब्लड भरा रहता है? 150 ml ब्लड हमेशा फिलअप रहता है, और यहां पर जो ब्लड आता है वो फिर वापस जाता है किसके द्वारा? यूटेराइन आर्टरी क्या होगी? ब्लड लेके आएगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज होंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स और गैसेस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। फिर यहां से कौन सी आर्टरी आती है ब्लड लेके? कौन सी जाती है? अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी वापस ब्लड लेके जाती है, ठीक है, किस तरफ? मदर को प्रोवाइड करती है। और यूटेराइन आर्टरी क्या, सॉरी, अम्बिलिकल जो वेन होती है वो फीटस को ब्लड प्रोवाइड करती है। एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं आपको, यहां से आती है यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज। और यहां से कौन सी आती है? अम्बिलिकल वेन, ठीक है। और जैसे यहां पर पूरा फीटस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, उसके बाद में वापस क्या होता है? अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड लेकर आती है और किसको देती है? यूटेराइन वेन को ब्लड देती है। एक सिंपल सा बता दिया। जब मैं आपको प्लेसेंटल जो सॉरी फीटल सर्कुलेशन जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर हम आपको डिटेल से बताएंगे। मैंने अभी आपको इंटरवेनस स्पेस और विलायक सिस्टम को समझाने के लिए बेसिक तरीके से बताया कि 150 ml यहां पर फ्लो होता है, फिर यहां पर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद में वापस क्या होता है? ब्लड अब जो यूट्राइन वेन होती है उसके द्वारा वापस चला जाता है। लेकिन ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है यहां पर इंटरवेनस स्पेस के अंदर ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है? 500 टू 600 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। यहां से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि 500 टू 600 ml ब्लड जो होता है पर मिनट क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? बाय द यूटेराइन आर्टरी के द्वारा, या इसको हम बोल सकते हैं मैटरनल ब्लड फ्लो इन द प्लेसेंटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गई इंटरवेनस स्पेस की बात, अपन बात करते हैं किसकी? विलायक सिस्टम की। विलायक सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कितना ब्लड होता है? 350 ml ब्लड होता है। कितना? 350 ml ब्लड, ठीक है। अब यहां पर ब्लड फ्लो की जो रेट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। विलायक सिस्टम के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो कितना होता है? 400 ml पर मिनट बाय द अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड लेकर आती है और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या करती है? वापस फीटस को ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाय द अम्बिलिकल आर्टरी 400 ml क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सॉरी, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा कितना होता है? 400 ml ब्लड फ्लो होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी आप ध्यान से देखें, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं क्या? गैसेस और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन एंड CO2 क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ये जो एक्सचेंज होता है उसके द्वारा क्या होती है? ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसफर होती है। अब यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन और CO2 जो होती है वो किससे ट्रांसफर होती है? बाय द सिंपल डिफ्यूजन, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 क्या होती है? एक्सचेंज होती है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? जो फीमेल होती है, लेडी होती है, ठीक है, मदर, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फीटस के अंदर क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इसके कारण सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 क्या होती है? ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनका एक्सचेंज जो होता है इनके किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब देखिए, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर
नॉन प्रेग्नेंट लेडी एंड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डिफरेंस होता है। यहां पर देखिए नॉन प्रेग्नेंट की अगर बात करें तो पार्सल प्रेशर जो ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है 95 mm ऑफ एचजी होता है। CO2 की बात करें पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है कितना होता है 40 mm ऑफ एचजी होता है। ठीक है नॉर्मल कितना होना चाहिए 35-45 होना चाहिए। ठीक है सॉरी अब बात करें अपन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है 105 mm ऑफ एचजी। ठीक है और पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो होता है 32 mm ऑफ एचजी। अब यहां पर कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन का जो पार्सल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, CO2 का पार्सल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है तो CO2 के पार्सल प्रेशर डिक्रीज होने के कारण लेडी के अंदर अपने को एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है द प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है प्रेगनेंसी की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है एक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। तो इसके अंदर देखिए प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब देखिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों हुआ इसका लॉजिक की बात करते हैं अपन। ये ध्यान रखिए एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी क्या होती है कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। अब इसका रीजन देखिए यहां पर क्या होता है प्रेगनेंसी के स्टेट के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है इंक्रीज कितना 15-30% क्या होता है ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है अब इसके अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है ओनली टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगी मतलब कौन सी कंडीशन होगी डीप रेस्पिरेशन। क्या होगा डीप रेस्पिरेशन जबकि रेस्पिरेशन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए रेस्पिरेशन रेट उतनी ही होती है सिर्फ टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होकर फीमेल क्या करने लग जाती है डीप रेस्पिरेशन करने लग जाती है। अब आपको बताया डीप रेस्पिरेशन होगा तो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाता है। हमने भी आपको बताया कि पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितना था 95 mm ऑफ एचजी जबकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना था 105 mm ऑफ एचजी और CO2 का पार्सल प्रेशर डिक्रीज हो गया कितना हो गया 32 mm ऑफ एचजी। तो यहां पर पीएच का डायरेक्ट रिलेशन देखिए आप पीएच होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CO2। पीएच का ये रिलेशन याद रखना आप पीएच क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CO2। अब अपने पास क्या आया CO2 का लेवल डिक्रीज हो गया। ठीक है CO2 का लेवल डिक्रीज होगा तो पीएच क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी और पीएच अगर इंक्रीज होगी तो एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है क्योंकि CO2 यहां पर क्या हुआ पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा एल्कलोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी क्यों बताया हमने इसको क्योंकि CO2 क्या है एक रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है। अगर यहां पर HCO3 होता तो पीएच का डायरेक्ट रिलेशन होता है HCO3 के साथ पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 और वो कंडीशन होती मेटाबॉलिक। ठीक है लेकिन यहां पर क्या है CO2 है तो ये क्या है रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर है। पीएच इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी इसीलिए क्या होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। समझ गए इसका लॉजिक क्या हुआ यहां पर क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी की स्टेट के अंदर डीप रेस्पिरेशन होता है टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर इंक्रीज होगा CO2 का पार्सल प्रेशर डिक्रीज होगा। CO2 का रिलेशन पीएच के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है CO2 का लेवल डिक्रीज होगा पीएच का लेवल बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है
एक इजी स्टेप है, बट यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इस चीज को ध्यान से देखें, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा होती है और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्लेसेंटा के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। देखिए प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉटिलीडॉन्स। जो किससे मिलकर बनी होती है, टर्सरी विलाई से मिलकर बनी होती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कॉटिलीडॉन्स। अब देखिए इसके अंदर तीन प्रकार की विलाई प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकंड इज द सेकेंडरी एंड थर्ड इज द टर्सरी। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे होता है। अगर अपन बात करें फर्स्ट इज द प्राइमरी विलाई, प्राइमरी जो विलाई होती है उसका फॉर्मेशन कब होता है, 13 डेज पे, कब होता है 13 डेज पे। अब देखिए विलाई क्या काम करती है, मैंने आपको बताया था जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, सातवें दिन से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है और ग्यारहवें दिन क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है और प्रेग्नेंट लेडी के एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं डेसिड्यूआ, ठीक है, डेसिड्यूआ के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, तो क्या होता है फीटस के द्वारा, डायग्राम के द्वारा बताता हूं आपको कि डेसिड्यूआ के अंदर जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ग्यारहवें दिन क्या होता है इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है और तेरहवें दिन यहां से क्या होगा, फीटस कुछ कोरियंस डेवलप करने लग जाता है जिनको बोलते हैं अपन प्राइमरी विलाई, ठीक है, यही होती है 13 डेज पे प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन होता है किसका, सेकेंडरी विलाई का, किसका, सेकेंडरी विलाई का, सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 16 डेज पे, कब 16 डेज पे, ठीक है। और ये भी क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करने की कोशिश करती है। अब ये दोनों विलाई जो होती हैं वो क्या होती हैं, एवैस्कुलर, मतलब इनके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, क्या होती है, एवैस्कुलर। इनके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। इसके बाद में क्या होता है, टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं, टर्सरी विलाई। टर्सरी विलाई का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, 21वें दिन पे, 21 डे। और ये क्या होती है विलाईज, वैस्कुलर विलाई होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, दिस इज द वैस्कुलर विलाईज, ठीक है। और इसीलिए अपन बात करते हैं कि जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, 21वें दिन पे स्टार्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विलाई, तीनों विलाई मिलकर क्या बनाती है, कोटिलीडॉन्स का फॉर्मेशन करती है। और कोटिलीडॉन्स क्या होती है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तीन से चार विलाई, 3 to 4 विलाई मिलकर क्या बनाती है, एक कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन करती है। और इसीलिए देखिए हम बोलते हैं जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की अगर बात करेंगे, जब प्लेसेंटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, 21वें दिन पे। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, 21वें दिन पे स्टार्ट होता है, क्योंकि केवल जो टर्सरी विलाई होती है वो क्या होती है, वैस्कुलर। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, एवैस्कुलर, उनके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं अपन प्लेसेंटा की सरफेस के बारे में। प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट इज द फीटल पार्ट एंड सेकंड इज द मैटरनल पार्ट, तो इसकी सरफेस भी दो होती हैं। पहले अपन बात करें मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस जो होती है वो क्या होती है, डार्क रेड। कैसी होती है, डार्क रेड, जो किससे जुड़ती है, डेसिड्यूआ बेसिलिस से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेमरेजिक स्पॉट, हेमरेजिक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं जो डेसिड्यूआ बेसिलिस से जुड़ती है, ठीक है। सेकंड इज द फीटल सरफेस,
दूसरी कौन सी होती है? फीटल सरफेस। ये कैसी होती है? ब्राइट रेड सरफेस होती है। कैसी होती है? ब्राइट रेड सरफेस होती है। और ये किससे जुड़ती है? सेंटर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, सेंटर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है? प्लेसेंटा के हमेशा सेंटर में जुड़ती है। अगर प्लेसेंटा के सेंटर में ना जुड़कर अगर पेरिफेरल में जुड़ती है तो वहां पर एक डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है? पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होता है? पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट जो होता है वो प्लेसेंटा के पेरिफेरल में होता है, ठीक है, जैसे मान लो प्लेसेंटल सरफेस है, डिस्कॉइड होती है, ठीक है, प्लेसेंटल सरफेस का ये सेंटर है, अगर यहां ना जुड़कर अम्बिलिकल कॉर्ड पेरिफेरल में जुड़ती है, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन क्या? बैटल डोर प्लेसेंटा। तो ये दो सरफेस हो गई यहां पर, फर्स्ट इज द मैटरनल सरफेस एंड सेकंड इज द फीटल सरफेस। और इसी के साथ आपका जो पार्ट था आज का हमारा प्लेसेंटा के बारे में एक डिटेल से स्टडी की, जिसके हमने इसके कुछ फीचर्स की बात की, इसके वेट के बारे में और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको हर एक क्वेश्चन क्लास के साथ बताया है। तो आपका सपोर्ट और प्यार आप यूं ही बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।